वालेकुम, दिस इज़ जैन बलोच। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है गाइस। मैं जा रहा हूँ अपने फ्लोर पर और आज मैंने खुद ब्लॉग दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे ब्लॉग्स, पर अब डेली आया करेंगे। पर आज हमारी टीम में अरीशे सोमरो नहीं होगी क्योंकि अरीशे किसी काम से गए नहीं हैं। तो अरीशे का जो काम है आज वो मैं करूँगा और आज बहुत सारी गपशप लगाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी टिक करें, बहुत सारा भी आप ठीक है। फ़ोन किया तुमने? जी, फ़ोन कर दिया। मेरे साथ हैं अस्मा अब्बासी, जो कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्मा अब्बासी, मैं तुम्हारे व्लॉग वगैरह देखता हूँ, तुम्हारा रूम डेकोरेट देखा है यार। हाँ, देखा। बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त। मुबारक हो तुम्हें। और क्या मसरूफियात है आजकल? आजकल मसरूफियात बहुत सारी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोग देखोगे आगे। AI पे देखोगे आप लोग। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 20+। सच्चा बता, 20+ है और क्या? प्लस क्या आगे? 21 है ना, तो 21 होने वाली है ना, होने वाली है। अस्मा ये बताओ, सिंगिंग कब से स्टार्ट की है? सिंगिंग पता नहीं मुझे खुद भी, मैंने छोटी थी तब से गाती थी, लेकिन प्रोफेशनली मुझे कोई 3-4 साल हो गए बस। प्रोफेशनली? हाँ। किस किस के साथ कॉन्सर्ट किया अभी तक? कॉन्सर्ट इतने सालों के साथ किया, मैं तो भूल गई किसके साथ किया, इतने सारे लोग हैं। तो खुश रहो, मैं आगे कैसा लग रहा है? वापसी आ रहा। हाँ, क्या लगता है आज कौन जीतेगा? आज हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग बहुत भारी पड़े हैं टिकटॉकर्स को। अच्छा, तो आज का हम ही जीतेंगे। सही हो गया। तो हमारे साथ फजीला कलियार है। फजीला इतने दिनों बाद आई, फजीला मिस किया आपको बहुत ज्यादा। और माशाल्लाह यार, वाकई में तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी बहुत नीड है पाकिस्तान स्टार को। और पाकिस्तान स्टार्स में सबके अपने जगह, कोई भी खास में पाकिस्तान स्टार्स होने चाहिए ना कि टिकटॉकर्स हमारी टीम में आने चाहिए। अच्छा, तू भी टिकटॉकर है, सॉरी मैं रुचि की बात कर रही हूं। देखा वजीला? नहीं, ये सुन लिया इसका हिस्सा है, मैं इसकी हमेशा से तारीफ करती हूं बिकॉज़ ये बहुत भाई, ये 3 सीजन से हमारे साथ है और तीसरा सीजन इसका जारी है। तो ये टिकटॉकर तो हम भी टिकटॉक बनाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम टिकटॉकर हो गए। टिकटॉकर एक डजन मैटर, वो एक ऐप है, ऐप को हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, पर बेसिकली हाँ, ये पाकिस्तान स्टार कैसा खेलते हैं जिस टीम के लिए उससे बहुत अच्छा खेलती हो तुम, बहुत अच्छा। तो कैसा रहा मुल्तान का टूर तुम्हारा? टूर नहीं था, तुम्हें पता है यार, फजीला की कजन की डेथ हो गई थी, तो वो इस वजह से वहाँ गई हुई थी। तो शी वॉज सो डिसहार्ट, बट अल्लाह पाक ने जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बट मुल्तान तुमने देखा तो हुआ होगा, मुल्तान कैसा लगा तुम्हें इतने टाइम के बाद गई? वो तेरा भी तो गाना यार, वो हुआ है मुल्तानी गाना भी तो तेरा आ रहा है। हाँ, मुल्तान पे आ रहा है वजीला, मुल्तान पे नया गाना आ रहा है, मेरा नया मुल्तान पे गाना आ रहा है। तो बहुत अच्छा गाना है, मुझे इसका आई थिंक दूसरा या तीसरा गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर ये ट्रेलर था तो इसमें मैंने अपने मुल्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो अभी ये ट्रेलर है, अभी गाना बाकी है। तो क्या कमेंट देना चाहोगी मेरे सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग जो देखे मुझे बहुत अच्छा लगा है, उसका जो था क्योंकि टीजर जो उसका था बहुत अच्छा था, लाइक फाड़ू था। सही जैसा बोलते फाड़ू, सही है। और ऑब्वियसली मुल्तान के मुंडे हैं, सो ऑब्वियसली फाड़ू तो होगा। मुल्तान दी कुड़ियां, मुल्तान दे मुंडे, जैन का ये स्पेशली म्यूजिक बहुत अच्छा लगा रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। और इसने जो मुल्तान की खूबसूरती दिखाई एक वीडियो के अंदर, लाइक मुल्तान को एक तरह से जैन रिप्रेजेंट कर रहा है मुल्तान को, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने शहर को रिप्रेजेंट करें, वरना बहुत से लोग मिलते हैं। लव यू, अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। थैंक यू सो मच। अली भाई मुझे ये बताओ, आपने मेरा ट्रेलर देखा जो मैंने अभी? हाँ, वो बहुत अच्छा। ट्रेलर के बारे में कुछ बताएं, कैसा लगा? मुल्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने, लग रहा है जो काम बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह। बाकी तो आपका काम तो A1 होता है। अरे यार अली भाई, बस इसी तरह मेहनत करते रहो। इससे पहले जो मेरे गाने आया था कुड़ी लाला गरीब वालों को चिट्ठी हो गई, वो तो सुन सुन के हम पागल हो गए। और कम से कम अली जो हमारे प्रोड्यूसर है ना, तो जब भी हम कहीं बैठक जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमारी इस गाने से होती है। इसमें म्यूजिक, फिर आवाज और फिर इनका जो पार्टनर माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा, तो बहुत बेहतरीन काम हुआ। और अली जो ट्रेलर है ना, वो अली शेख भाई, उसने भी बहुत अच्छा किया। और जो अभी ट्रेलर आया है, ट्रेलर जो अब आया मेरे नए गाने का, मुल्तान का, वो बेसिकली अली भाई मैंने मुल्तान का प्रेजेंट किया है, मुल्तान के ऊपर, मुल्तान की कास्टों के ऊपर, के हम मुल्तान वाले कितना प्यार देते हैं लोगों को। और वो होता है कि हर शहर की अपनी सौगात होती है, पर आपको कामयाब करे, नियत साफ
और मैंने अली भाई लव है, अली भाई यही अली भाई है जो रंगबाज लगाते हैं। पहले बता रहा हूँ वहाँ हफ्सा से पूछता हूँ। हफ्सा नहीं, हफ्सा हफ्सा मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन। क्यों एक सवाल पूछने, छोटा सा छोटा सा सवाल का जवाब दे दो। क्यों? देखो यार अफसा नहीं आ रही मेरे ब्लॉग के अंदर, पता नहीं क्यों नाराजगी चल रही है। अभी तक मेरी बातें दिल पे लेके बैठी है, कोई बात नहीं। सलमान अमन, मेरा नया गाने का ट्रेलर देखा तुमने? कौन सा वाला? जो अभी मैंने डाला है, अभी मैं रैपअप लगाऊंगा, देख लूंगा, दुनिया को भी दिखा दूंगा। इससे पहले जो गाना आया था गोली लाला करी माते को चिट्ठी, कैसा लगा आपको? गोली लाला करी माते को चिट्ठी हो गई, लाला करी माते को चिट्ठी हो गई, कैसा लगा था आपको? बहुत प्यारा गाना था, बहुत अच्छा लाइवली म्यूजिक था जिसको बहुत एंजॉय करा लोगों ने, और आपने तो किया होगा कि मैंने किया। बाकी जनरल पब्लिक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सलमान। तो क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को मैसेज देना होगा कि डू सपोर्ट न्यू म्यूजिक। हम सब कोशिश करते हैं, जैन कोशिश कर रहा है या दुआ कोशिश कर रही है, या हमारी साइड से डॉक्टर मदिया का इतना प्यारा गाना आया, सलमान का भी तो गाने बहुत है। मेरा आने को इंशाल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी, तो सपोर्ट करें अपने ही लोग, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू सो मच सलमान, खुश रहो। चलो जी आप ये सारे आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए। अंजिश, मेरे नए सॉन्ग का ट्रेलर देखा तुमने? हाँ? कैसा लगा? पक्का आना, बस हम जल्दी बुलाएंगे हम आपको, ठीक है? तो अंजिश, इससे पहले जो वाला गाना था वो गाना याद है आपको? तो गाना थोड़ा सा सुनाओ। तो गाना कैसा लगा आपको? वो वाला तो बहुत अच्छा है, मजे का लगता है। सुनती हो? और मैंने देखा था तुमने उस पे मतीरा के शो में ना वो आपका सॉन्ग लगाया, डांस भी किया था हल्का हल्का ना, बैठ कर डांस कर देती हूँ यार, तुम्हारा पता ही नहीं चलता यार। हो गया यार, नबील से पूछ, नबील मैंने नया ट्रेलर देखा तुमने गाने का? यार मैं आपको चीज बताऊँ, मुझे ये गाना सबसे पहले अगर किसी ने ये गाना सुना होगा ना तो वो मैं ही था। कौन सा? लाला करीमा। अच्छा, याद है तुझे हम लोग कार में जा रहे थे रमजान? हाँ। तब इसने रिकॉर्ड किया ही था और सबसे पहले इसने मुझे ही सुनाया था। तो नहीं वो तो ठीक है, जो अब मेरा नया ट्रेलर मैंने इंस्टा पे डाला और यूट्यूब पे डाला, तुमने वो ट्रेलर देखा? कौन सा वाला? इसी गाने का? अभी नहीं, नया गाना डाला मुल्तानी मुंडे। हाँ देखा। उसमें क्या था? उसमें तुम था और मुझे काली कपड़ों में सारे लड़के थे, और मुल्तान देखा? हाँ, मुल्तान कैसा लगा? मुल्तान में गया हूँ एक बार। एक दफा गए हो? एक दफा गया हूँ। किले पे गए थे? किले पे भी गया था। कैसा लगा? तो मुझे वैसे कितना सुकून है, सूफी आने का फीलिंग। तो वो जो वीडियो थी लाइक, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? बहुत जबरदस्त थी भाई, बड़ी मेहनत करता है ये, तो इसको सपोर्ट करें, और वो वाकई बहुत मेहनत करता है। और मुझे याद है जब इसने लाला करीमा का गाना भी इसने रिकॉर्ड किया, इसने सबसे पहले मुझे याद है हम लोग रात को 4 बजे जा रहे थे बोल से। हाँ। ये और मैं, याद मैं तू था, वो फयाज था, फयाज इधर आ, 4 बजे जा रहे इधर आ, लालाज नए सलोज नहीं। मेरा नया गाने का ट्रेलर देखा तुमने? नहीं। जो मैंने इंस्टा पे डाला है? नहीं। मुल्तानी मुंडे का? नहीं, देखूंगा ना जाने में, देखना और सपोर्ट भी करना। सही है, डाले भाई। और इससे पहले जो मेरा गाना आया, कौन सा गाना गाना सुना था? पूरी लाल करी मुझे तू चिट्ठी हो गई, ये कैसे कहोगे, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने गाड़ी में सुना था। सच्ची? अरे लव यू हो गया। तो क्या पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे अबाउट मेरे म्यूजिक के बारे में? ज्यादा से ज्यादा जैन को सपोर्ट करो, अपना ब्लॉग तो मैं बना रहा हूं, दुआ करो उसके लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाता है। आप सब लोग सही जान है हमारे शो। थैंक यू सो मच जानू, थैंक यू, खुश रहे। अब अब्दुल्ला से पूछता हूँ, जिन लोगों ने बिल्कुल कर दे, बहुत बिजी चल रहा है। शराबीन से पूछा, शराबीन मुझे ये बताओ, मेरा गाने नया गाने का तुमने ट्रेलर देखा? कौन सा गाना? रुजा भाई रुजाना नहीं, वो मुल्तान वाला ना? हाँ, मुल्तान मुंडे कुछ ऐसे करके। तो कैसा लगा ट्रेलर? सेक्सी। क्या लगता है उसमें? तूने एक भंड मार दिया क्या?
ड्रेसिंग तो फुल काले कलर का कुर्ता सलवार तू भी पहना होता है। नहीं वो असल में पता क्या सीन है, हमने पीछे सारे ब्लैक ड्रेसिंग में दिखाया, अगर मैं भी उनके साथ मिल जाता तो नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने बहुत जल्दी में बनाया बिकॉज सारी ड्रेसिंग नहीं थी, तो मेरे पास जो था अवेलेबल मैंने कर दिया, बट वो भी बुरा नहीं अच्छा है। गाना मतलब पर मैं ये कहना चाहूंगा इससे पहले जो मेरा गाना आया, इससे पहले बोल भी इसमें गाना सुना मुझे था। चिट्टी हो गई थोड़ी लाला करीता करीमा करीमा ना तो लगाते हैं हाँ तेरा स्टेप भी भैया लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई सांवले जे रंग दी सी कोलो जदो लंग दी सी मिनी मिनी अखां विचो सपना रंग दी सी। गाने गा रहा बंदा भाई एक के बाद एक पैगरा, मेरी दुआ है भाई तू अल्लाह पाक तुझे बहुत जल्द देख हमारे वहां ना पंजाब तेरी भी मेरे साथ निकी इधर जल्दी जल्दी निकी मुझे ये बता मेरा ट्रेलर देखा ना गाने वो जो मुल्तान में जो मेरा हाँ। शूट हुआ था हाँ देखा ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा था गाने का नाम याद है? गाने का नाम मुझे याद है मरा नहीं मुल्तानी या मरासी मुंडे 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 मुल्तानी मुंडे। इससे पहले जो गाना आया है इससे पहले जो गाना आया वो गाना याद है तुझे? इससे पहले बहुत बीच में चला गा के सुना थोड़ा सा। एक सेकंड गाना है वो देखा है याद ही नहीं आ रहा भाई का गाना है छह दफा यहाँ चला है कहाँ से आते हैं लकी भाई अस्सलामुअलैकुम बड़े भाई मैं साजी मैं इसके बाद गाना कर रहा हूँ बस अभी कुछ ना कुछ कर लेते बताएं भाई भी बता दीजिएगा। तो लकी भाई आपने मेरा गाना सुना था बोल बीट वाला जनाब याद है आपको थोड़ा सा यार वो था ना कुड़ी लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई कुड़ी लाला करीमा देखो अभी वाला जो मैंने मुल्तानी मुंडे का इसका पार्ट से नहीं अभी का अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जबरदस्त चीज है मैंने मुल्तान को रिप्रेजेंट किया उसने वाह वाह मुल्तान की सौगातें दिखाई है किला दिखाया है वाह 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 अंदरून शहर दिखाया है जो जवान जोर के मारते हैं क्या बात है जनाब वो चीजें दिखाई है। तो मेरे फैंस को अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए अबाउट मेरे म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहिए? हां जैन बलोच साहब बहुत टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से स्टार माशाल्लाह से मैं तो कहूँगा आप तो माशाल्लाह से स्टार हैं और बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे गेम शो में भी बहुत एक इनकी सारी जो है इन्वॉल्वमेंट होती है गेम्स में सारे और इस गाते तो खैर बहुत है नहीं अच्छा ये और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करें और जो भी ये वीडियो डाला करें उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे भाई हैं बस ये छोटे लव यू साजी लव यू खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अभी भाई मेरा गाना याद है? गाना तो मुझे याद निकली कि गाना तुमने बहुत अच्छा गाया था और अच्छा। बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया उसका और माशाल्लाह गाते तो अच्छा ही हो तुमने गाते तो अच्छा ही हो माशाल्लाह और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया तुमने गाया अच्छा और बोल बनाने बहुत अच्छा किया उसकी वीडियो बहुत अच्छा किया बट डन और इसकी वीडियो आप लोग शेयर करें इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लव यू हो गया अपनी बारी लव यू हो गया। एक और बंदा रह गया जिससे मैं पूछ लूँ अब सबसे पूछ ही रहा हूँ हाँ बट टू मिनट में एक मिनट में आया मेरे साथ इसमें है इसमें अली मेरा भाई अली भाई मुझे ये बताओ आपने मेरा गाना सुना? बिल्कुल सुना जो अभी मैंने डाला है वो ट्रेलर डाला है देखा जी जी देखा कैसा लगा? बहुत कमाल है था और इससे पहले जो मेरा गाना है बोल बीट्स में उस गाने का नाम सांवले जा रंग वो मैं रोज सुनता हूँ पता है वो थोड़ा मुझे प्यारा लगता है थोड़ा सा कोई लाइन ऐसी याद हो सुना दो सांवले जे रंग ऐसे कुछ है यार वो रंग दी सी कुड़ी लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई हरीफ भाई मेरा बोल बीट्स वाला गाना याद है आपको जो मैंने अभी रिसेंटली गाया वो जो यार वो पंजाबी सुनते हैं हाँ याद तो नहीं है हल्का सा मुझे भाई बहुत प्यारे भाई वो सुनाओ क्रीमा लाल के हां लव यू हो गया
चलो गाइस, सिकंदर भाई को छोड़ो, सारी बात छोड़ो, ये बताओ कैप्टन नहीं बनते यार, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कम बैक अपने व्लॉग के साथ, और मेरे साथ हैं, जैसे कि आप लोग कहते थे कि जैन दुआ के साथ व्लॉग बनाए, तो दुआ के साथ आज बना लेते हैं व्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है मेरा व्लॉग, कैसी हो दुआ? ठीक हो? तबीयत ये ठीक है आपकी? फिट है? सो दुआ, आपने मेरे ट्रेलर देखा नए सॉन्ग का? हाँ देखा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। और इससे पहले जो सॉन्ग आया है मेरा, वो सॉन्ग सुना आपने? सुना था। कौन सा सॉन्ग था? तो ऐसा कुछ गाना था, गाने का नाम याद है? नहीं, नहीं। याद रखना चाहिए ना आपको गाने का नाम भैया। तो ऐसे ही ना, आपकी टीम मेट का गाना आया और आपको पता ही नहीं है कि भाई यार गाना कौन सा है। सांवले जरन, एक दफा गा के सुनाओ दोबारा से, थोड़ा सा जितना आता है। पंजाबी आती नहीं है। वो जो जितनी आती है वो सुनाओ, जो गाना तुम्हारा रह गया था। क्या 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 क्या? सांवले जे रंग दी सी। उर्दू में बोल दो, मुझे नहीं समझ में आ रही। चलो पंजाबी में जितना आता है सुनाओ। अच्छा, कैसे किया था मैंने डांस, कैसे किया था? तो मेरे गाने के बारे में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जो आ रहे अपकमिंग, अब भी और जो पिछला दिल मंगा मेरा सांवला जो रंग है, उसके बारे में पहले तो उसके बारे में कमेंट्स दें, उसके बाद वो तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और जो आ रहा है उसके लिए भी मैं यही बोलूंगी कि सपोर्ट करें इनको, क्योंकि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं हमारी टीम के। इनको क्या, जैन को? जैन को सपोर्ट करें। और जो अब ट्रेलर देखा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आ रहा है ना उसी के बारे में बोला है कि, और जो आ चुका है उसके बारे में? जो आ चुका है तो वो जाहिर सी बात है वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसका, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल आपसे पूछूंगा। एक खरबूजा है, खरबूजा आपने आपने पकड़ा हुआ नीचे ने छुरी, ठीक है, स्ट्रेट रख देनी छुरी, तो अगर खरबूजा ऊपर से फेंकेंगे ठीक है, तो वो छुरी पे लगेगी या छुरी खरबूजे पे लगेगी? छुरी खरबूजे पे लगेगी। सही है, सुन लिया ना आपने? आप भी कहते थे ना दुआ बड़ी इंटेलिजेंट है और दुआ के साथ व्लॉग बनाओ, देख लिया? तो खरबूजा ही कटेगा ना छुरी पे, चाहे खरबूजा। देखो मैंने खरबूजा फेंका ना छुरी पे, कटा कौन? क्या कटा? कौन कटेगा? खरबूजा कटेगा। तो आपने भी कहा नीचे छुरी लगेगी? मैंने कहा मतलब खरबूजा कटेगा। नहीं नहीं, कटेगा किस चीज से? छुरी से कटेगा। तो छुरी कहाँ लगेगी? खरबूजे पे लगेगी। खरबूजा कितनी ऊपर गिराई, कितनी मतलब के सेंटीमीटर पे दूर से ऊपर से फेंकूंगा तो छुरी पे जाकर लगेगा खरबूजा? कहीं से भी फेंको तो वो तो लगेगा ना छुरी पे। आपको 100% श्योर है कि वो छुरी पे ही आके लगे? छुरी टेढ़ी भी हो सकती है, छुरी उल्टी क्योंकि गिर भी सकती है। तो आप छुरी सही से रखे ना। So guys, do support Dua Wasim, और thank you so much for this beautiful vlog के आप लोग इतना support करते, इतना प्यार देते हैं। और जैसे कि आप लोग कहते थे कि दुआ के साथ vlog बनाएं, तो अब मज़ीद बनाता रहूँगा vlogs क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए, और अपडेट देता रहूँगा। और अंजिश कुछ कहना चाहोगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तूफान भाई कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं लगा, बट ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। अब हम थोड़े से सवाल रह गए हैं बस, कुछ लोग रह गए जिनसे मैंने पूछना रह गया, बाकी तो इंशाल्लाह ताला डू सपोर्ट हिम, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।